A very good morning to everyone. You are most welcome at the Major Kalsi classes. मैं अभिषेक द्विवेदी Major Kalsi परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ. इस 10 मिनट की वीडियो सीरीज के अंतर्गत काफी इंटरेस्टिंग और लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले महीने में काफी ज्यादा हो हंगामा हुआ था और इस साइट को लेकर के. तो पहला हमारा टॉपिक भी स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ. उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा क्योंकि नई डिस्कवरीज ये हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर का भी पार्ट है, तो दोनों चीजें कवरअप होंगी इस टॉपिक के थ्रू. टॉपिक क्या है आइए उसको देखते हैं. 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब 5000 साल कह सकते हैं आप पुरानी जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो मिली है. कहाँ पे मिली है आइए उसको फर्दर डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले ये राखी गढ़ी के बारे में आज का लेक्चर बेस्ड होगा. इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है और आप कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो राखी गढ़ी है वो लार्जेस्ट साइट है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपकी जो राखी गढ़ी है ये सबसे बड़ी साइट है. आप सबको पता होगा इसका जो एक्सप्रेशन किया गया ये 1960 के दौर में प्रारंभ किया गया था, प्रॉपर जो किया गया पहली बार 1963 में, और आज तक इसके मतलब ऑन द टिल अगर मैं बात करता हूं अभी भी खुदाई चल रही है और सरकार के द्वारा और जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट मई 2022 तक अपडेट्स देने की बात कही गई थी. ठीक है, अभी वेल तरीके से पूरा जो भी डिस्कवरीज थी वो फाइंड आउट नहीं हो पाई है. अभी भी स्टिल रिसर्च चल रही है इस क्षेत्र विशेष में. अब राखीगढ़ी ये है कहां, अगर राखीगढ़ी की बात करते हैं आपसे तो दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूर राखीगढ़ी हरियाणा. ठीक है, और हरियाणा के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो हिसार डिस्ट्रिक्ट आपने नाम सुना होगा. ठीक है, और इस साइट को यह कहा गया है कि इंडिया की जो है आईवीसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है. ठीक है, इससे पहले जो साइट थी वो थी अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, बट अभी क्या है वर्तमान में सबसे बड़ी साइट जो हो चुकी है वो हो चुकी है राखीगढ़ी, और स्टिल इसका एरिया अभी बढ़ सकता है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करता हूं तो इसमें RGR-1 से लेकर के, अब RGR-1 क्या है, ये राखीगढ़ी में जो माउंट्स मिले हैं उनके आइडेंटिफिकेशन है, सिंबल्स है, इंडिकेटर्स है. RGR-1 से लेकर के RGR-11 तक जो है ये साइट्स मिली हुई हैं और इनके कंटिन्यूअसली डिस्कवरीज का काम चल रहा है. दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, राखीगढ़ी जो ये साइट है ये इंडस वैली सभ्यता के अंतर्गत आती है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत ये लार्जेस्ट साइट है, कॉन्टिनेंट के अंतर्गत लार्जेस्ट साइट है. ये बात भी आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रही होगी, लार्जेस्ट साइट है. अब अगर हम बात करते हैं यहां पे तो RMH फार्मूला याद रखिएगा, RMH राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये तीन लार्जेस्ट साइट हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं. ठीक है, क्लियर है, और यहीं पे अभी हाल ही में के महीनों में अगर हम बात करते हैं तो ज्वेलरी मिली है, गोल्ड और कॉपर की ज्वेलरी. ठीक है, और उसकी डिस्कवरी, और यहां पे कई स्कल्टन्स भी मिले हैं जिसकी स्टिल वी आर डिस्कसिंग डिस्कवरी कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर नाम की आप बात करते हैं तो इसके नेचर, ट्रेड बिहाव और इसके कल्चर के आधार पे इसी के डिफरेंट नाम है. आईवीसी को ही कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि आईवीसी के जो पीपल थे वो बिल्कुल फैमिलियर नहीं थे किससे, आयरन से, और इसी को कहा जाता है प्रोटोटाइप सिविलाइजेशन. प्रोटो हिस्टोरिक टाइप सिविलाइजेशन क्या होती है, ऐसे सिविलाइजेशन जिसके अंतर्गत स्क्रिप्ट तो मिले बट वी आर नॉट एबल टू डेसिफर इट, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन. इसी का नाम है पीसफुल सिविलाइजेशन, ट्रेस बेस्ड सिविलाइजेशन और अर्बन सिविलाइजेशन. अगर हम बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत तो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है. अगर फर्दर अगर बात करी जाए तो ये पीसफुल होने के साथ साथ यहां पे किसी भी वॉर्स के बारे में कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, किसी भी वॉर के बारे में कोई एविडेंसेस नहीं मिलते तो पीसफुल सिविलाइजेशन है. ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो इस सिविलाइजेशन में बहुत कुछ बेहतर है और बहुत कुछ हमको जानने की जरूरत है. धोलावीरा गुजरात यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया 27 जुलाई 2021 को, और राखीगढ़ी
अभी अगर हाल ही में बात करी जाए तो आइकॉनिक साइट बनी हुई है और इसकी रिसर्च के लिए 2020-21 का जो बजट था फरवरी में अनाउंसमेंट किया गया था उसके अंतर्गत राखीगढ़ी को एक आइकॉनिक साइट घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा बजट के अंतर्गत। तो चलिए बहुत सारी चीजों को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात और वैल्यूएशंस ये देख रहे हैं यहां पे स्केल्टन्स भी मिला है। यहां पे मैंने कहा ना कि राखीगढ़ी में जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं उनको आरजीआर 1 से लेकर के आरजीआर 11 तक की नंबरिंग दी गई है। ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं जिससे कि फाइंड आउट हो सके कि आरजीआर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 9, 10 और 11 की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूली इंडिकेटर्स हैं ये राखीगढ़ी के अंतर्गत। अब फर्दर बात करते हैं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये है ट्रेंचेस। यहां पे आप ट्रेंचेस अगर मैं कहूं तो थोड़े थोड़े उभार आपको देख रहे हैं, यानी कि इन अवशेषों को बहुत आसानी से आप नहीं निकाल सकते, ब्रेक होने का डर होता है, तो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में इनको निकाला जाता है और ये वहां से जो फाइंड की गई हैं आर्टिकल्स जो प्राप्त हुए हैं हमको राखीगढ़ी से ये उनके सैंपल्स आप देख पा रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और फैक्टफुल बात की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम आप सबको पता है कि दिल्ली से राखीगढ़ी अगर हम बात करते हैं तो 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। अब अगर मैप यहां पे आप देखना चाहें तो यू कैन इजिली असेस देयर कि कहां पे है राखीगढ़ी। ये आप देख पा रहे हैं इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा के अंतर्गत राखीगढ़ी हिसार के अंतर्गत आता है यह स्थान, ठीक है। हालांकि यहां के साइट्स हरियाणा की साइट्स में कालीबंगा बनावली काफी इंपॉर्टेंट है तो लेकिन हमको वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। हमको कहां पे डिस्कस करना है बेटा, इस पॉइंट पे डिस्कस करना है हमारा एजेंडा यहां पे। और ऊपर के पॉइंट में आप राखीगढ़ी इज द विलेज विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन हिसार डिस्ट्रिक्ट। अब इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात आ रही तो यहां पर एक बात जानना बहुत जरूरी होगा कि यहां पर जो इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी 1861 में और अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम पीरियड में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इससे पहले 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी भारतीय कल्चर के बारे में कुछ डिस्कवरीज को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन उसके बाद 1861 में इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, एएसआई की स्थापना की गई और जिसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां है, नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर इन जनरल हैं विद्यार्थी, ठीक है, इनका नाम है विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए फर्दर आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे के बारे में बात हो गया, ये आपका मैप हो गया। अब आइए फ्रूटफुल चीजों को देखते हैं। 1920 हमारे यहां जो पहली साइट की खोज की गई हड़प्पा की 1921 में रावी नदी के किनारे, दूसरी साइट 1922 में मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, राखलदास बनर्जी ने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स थी और पहले और इससे पहले इन द 1920s द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरियड आउट द एक्सवेशंस इन द इंडस वैली वेयर इन द रियूम्स ऑफ द टू ओल्ड सिटीज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। ये मतलब भूमि ग्रस्त हो चुके थे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डिस्कवरीज स्टार्ट हुई। अब फर्दर बात करते हैं तो यहां पे आप देख पाएंगे राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अदर लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हड़प्पा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला इन पाकिस्तान और धोलावीरा गुजरात। राखीगढ़ी इज द साइट एक्सपेक्टेड बाय द अमरनाथ ऑफ एएसआई, ठीक है। फिर दिस इज द अमंग द फाइव आइकॉनिक साइट्स और फाइव आइकॉनिक साइट्स में इसको शामिल कर दिया गया कब, 2020-21 के बजट में, जैसा कि आपको मैंने बताया 2020-21 के बजट में। अब अगर हम फर्दर बात करते हैं तो फाइव आइकॉनिक साइट्स है कौन सी, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवासागर असम, धौलावीरा इन गुजरात एंड आदि चुन्नूर ये तमिलनाडु का क्षेत्र। ये फाइव आइकॉनिक साइट्स हैं, क्लियर है बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब दिस इज अमंग द फाइव आइकॉनिक साइट, मतलब राखीगढ़ी को भारत की आइकॉनिक साइट में शामिल किया गया और बजट के अंतर्गत इसके जो भी एक्सपेंशंस का एक्सपेंशंस आएगा वो बजट में बता दिया गया। फर्दर बात करते हैं अब लेट 1960 द फर्स्ट अटेम्प्ट टू आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोर वाज राखीगढ़ी साइट। 1960 के दौरान इसकी खोज को पहली बार एक प्रायोजित तौर पर दिया गया या किया गया। 1963 में पहली बार इसके बारे में डिस्कवरीज हुई या एक्सप्लोरेशंस स्टार्ट किए गए। 1998 से 2001 तक राखीगढ़ी साइट वाज फर्स्ट एक्टिवेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एएसआई। फिर 2013 से 16 तक किसने किया, डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे ने किया। फिर 11 माउंट्स आरजीआर 1 टू आरजीआर 11। इसके बाद 2016 के बाद जो खोज हुई वो उसमें हरियाणा की यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व थी,
ठीक है। फिर इसके बाद 11 माउंट्स आरजीआर 1 to 11, मैंने कहा ना कि जो माउंड का मतलब क्या होता है, टीला, कितने कुल टीले मिले हैं, 11 टीले मिले हैं, और इन्हीं टीलों के द्वारा हमें पता चलेगा कि आरजीआर 1, आरजीआर 2, आरजीआर 3 बेसिकली किससे रिलेटेड है। तो इनका नाम दे दिया गया आरजीआर 1, आरजीआर 2, 3, 4, 11 स्कैटर्ड अराउंड टील विलेज राखी खास एंड राखी शाहपुर। याद रखिएगा ये जो जितने भी माउंट्स मिले हैं ये राखी गढ़ी के दो गांव राखी खास एंड राखी शाहपुर के अंतर्गत है। इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आर द पार्ट ऑफ राखी गढ़ी आर्कोलॉजिकल साइट। माउंट आरजी 1 टू आरजी 6 आर रेजिडेंशियल साइट्स। याद रखिएगा आरजी 1 आरजीआर 1 टू आरजीआर 6 तक जो साइट्स मिली हैं, यहां पे माउंड मिले हैं, माउंड का मतलब टील है, जो मिले हैं वो मिले हैं रिलेटेड है कि रेजिडेंशियल, यहां पे लोग रहा करते थे। लेकिन आरजीआर 7 जो है वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं, वो स्केल्टन से बेसिकली रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब माउंट आरजीआर 1 टू आरजीआर 6 रेजिडेंशियल साइट्स बिलोंगिंग टू द प्री फॉर्मेशन एज अर्ली हड़प्पन पीरियड। अब हड़प्पा की जो कार्बन डेटिंग के टाइम पीरियड बताया गया है वो बताया गया है 2500 बीसी से 1750। यह बात भी आपको जानना जरूरी है। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ आईवीसी? तो आईवीसी का जो टाइम पीरियड था वो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए अब आगे फर्दर बात करते हैं। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं, आरजीआर 7 इज द सिमेट्री साइट ऑफ आईवीसी। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये आरजीआर 7 की साइट। दिस वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी, और ये कहा जा सकता है वेल ऑर्गेनाइज। आपको बता दूं जो ये राखी गढ़ी है यहां पे रोड की जो चौड़ाई होती थी वो थिकर होती थी, वाइडर होती थी अन्य जगहों की तुलना में, चाहे वो कालीबंगा रहा हो ना, उनके कंपेयर में अगर आप बात करते हैं अन्य जो साइट्स थी हरियाणा की उनसे यहां की रोडें चौड़ी थी राखी गढ़ी की। दूसरी चीज, आरजीआर 7 इज लोकेटेड 500 नॉर्थ और आरजीआर 1 हैड इल्डेड। मतलब अगर हम बात करते हैं तो आरजीआर 7 जो है वो 500 मीटर नॉर्थ और आरजीआर 1 हैड इल्डेड अराउंड द 60 बरियल्स इन द प्रीवियस एक्सकवेशंस। मतलब 60 लोगों को दफनाया गया था, और इससे इस बात का पता चलता है। और इसकी जो दूरी है आरजीआर 7 की आरजीआर 1 से, कह सकते हैं कि 500 मीटर की दूरी पे ही है। तो यहां से दोनों बात पता चलती है। किसकी बात पता चलती है? कि यानी कि लोकेशन जो थी उसके कुछ ही दूरी पे लोगों को दफनाया गया था 500 मीटर की डिस्टेंस पे। अब आगे बात करते हैं, 24 फरवरी 2022 को एट प्रेजेंट आरजीआर 1, आरजीआर 3 एंड आरजीआर 7 हैज बीन टेकन अप फॉर स्टेमेंट। अब 11 को एक साथ तो डिस्कवरी करी नहीं जाएगी, तो राखीगढ़ी 1, राखीगढ़ी 3 एंड 7 के बारे में डिस्कवरी करी जाएगी, और यह अनाउंसमेंट किया गया 24 फरवरी 2022 को, और यह कहा गया कि इसका रिजल्ट मई 2022 तक फाइनली आ जाएगा। चलिए, तो ये यहां पे आप साइट्स देख पा रहे हैं, और इन साइट्स में जो गड्ढे आप देख रहे हैं यहां पे, इसका मतलब ये माउंट्स मिले थे, इनको प्रॉपर निकालने का काम हो रहा है। द टीम ऑफ 40 आर्कियोलॉजिकल्स आर एग्जामिनिंग द 3 साइट्स नाउ। तीन साइट्स कौन कौन सी हैं? आरजीआर 1, 3 एंड 7। चलिए अब आगे बात करते हैं, द राउंड ऑफ एक्सकर्शन विल गो ऑन द टिल ऑफ एंड ऑफ मे 2022 तक चला, बिल्कुल चला ये अभी, अब इसके महीने में जून में प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए इसका। ठीक है, फर्दर टोटल 13 ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब समझ रहे हो ना, जो ये आप देख रहे हो, दीज आर द कॉल्ड ट्रेंचेस, ये दीज आर द ट्रेंचेस। मतलब जब किसी चीज को निकालने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रेंचेस। आसानी से अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके चारों तरफ सर्कमफ्रेंस में आपको एक गड्ढा पिट खोदना पड़ेगा, नहीं तो उस स्केल्टन में, उस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ डैमेज होने की संभावना रहती है। तो टोटल नंबर ऑफ 13 ट्रेंचेस आर ओपन अक्रॉस द 3 माउंट्स। मतलब अगर 3 टीलों की बात करता हूं तो उनके किराने ये ट्रेंचेस आपको दिख रहे हैं, ट्रेंचेस खोदे गए 5 एट माउंट नंबर 1। मैंने कहा ना कि 3 की खोज होगी, 1, 3 और 7, तो 5 माउंट टीले मिले हैं 1 नंबर के लिए, 7 माउंट मिले हैं 3 नंबर के लिए, और जो 7 नंबर का माउंट है उसके लिए एक ट्रेंच में 7 नंबर माउंट, मतलब मैं बात करता हूं तो 7 टीले मिले। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये यहां पे जो मिले आर्टिकल्स थे वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, जो यहां पे ये आप देख पा रहे होंगे कि आप जब बचपन में सैंड बालू में खेलते थे ना, तो इसी प्रकार के आपको आर्टिकल्स मिलते थे, वो आर्टिकल्स ये राखी गढ़ी में मिले हैं। और ये आप देख सकते हैं कार्नियल कलर्स, जो इस कलर में जो आप देखते हैं ना पत्थर वुमन्स जो पहनती हैं, उस तरीके के कुछ आभूषण्स आपको दिखेंगे। आरजीआर 1 अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिबिटेज ऑफ द सेमी प्रीसियस स्टोन्स, पत्थरों के अवशेष मिले हैं आरजीआर 1 से। ठीक है, क्लियर है। एविडेंसेस ऑफ स्ट्रीट प्लानिंग
हैज बीन फाउंड, मतलब राखीगढ़ी में ऑर्नामेंट्स कॉपर और गोल्ड की ज्वेलरी के साथ साथ स्टोन्स भी मिले हैं, वेल पॉलिश्ड वेल फिनिश्ड स्टोन्स मिले हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो इनके यहां की बेटा जो जर्नल विड्थ थी रोडों की वो 2.6 मीटर थी एज पर द अवेलेबल एक्सपोज्ड रिमेन्स, मतलब बहुत चौड़ी सड़कें हुआ करती थी राखीगढ़ी में। ठीक है, तो यह था, अगर हम बात करते हैं तो आईवीसी की राखीगढ़ी के अंतर्गत 10 मिनट्स का वीडियो। इसी तरीके से हम ईच एंड एवरी टॉपिक्स के बातें लेकर के आते रहेंगे। राखीगढ़ी क्यों लेकर के आया, क्योंकि अभी 5000 साल पुराना यहां पर गोल्ड और कॉपर की ज्वेलरी का अवशेष मिला है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेजर कलसी परिवार के साथ बने रहेंगे। यह कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।